बिल्कुल है, हमरा फुल सपोर्ट जो है वो निमकी जी के लिए है। और कहा है कि हमारे गठबंधन के सभी विधायकों का सपोर्ट जो है और साथ है इनके साथ है। और एक बात और, हमरा सपोर्ट के बगैर, समर्थन के बगैर तू ये यहाँ तक कैसे पहुंच पाती, हाँ है कि नहीं? जी बिल्कुल। और विधायक का मीटिंग सब में गंगा देवी जी खुद हमरे नाम का प्रस्ताव रखी थी सीएम के लिए। और गठबंधन का सारा विधायक ने एकमत होकर गंगा देवी के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। और अब हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारी नव निर्वाचित सीएम साहिबा से पूछें कि प्रदेश के बारे में क्या-क्या योजनाएं हैं इनका। योजना सबका बात हो गया है, हम कर लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो फिर से कर देते हैं। भाई हम तो एक ही लाइन में कह देंगे कि हम बेस्ट सीएम बनने का योजना कर रहे हैं। लेकिन कहा है कि महिलाओं सबका हक के बारे में भी कुछ सोची हैं आप? कहा है कि हम सब लोग आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। गंगा देवी जी, अब आप इतना बोल रही हैं तो कुछ कह ही देते हैं हम। अरे हम बहुत कुछ सोच के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ, घर की महिलाएं, तो घर की महिलाओं के लिए हम हफ्ता में एक दिन छुट्टी दे रहे हैं। बेचारी दिन भर कितना काम करती है घर का। हीरोइन लोग को ही देख लीजिए, वो भी हफ्ता में 2-3 दिन तो छुट्टी ले ही लेती है। तो घर बैठी महिला का ही नहीं, और जब वो छुट्टी के दिन जब महिलाएं अपना घर में आराम कर रही होंगी, उनके घर के पुरुष सबको घर का सारा काम करना होगा, साफ सफाई से लेकर किचन का सारा काम। और उसी के साथ साथ यदि महिलाएं कहीं रात में कहीं गली में बाहर जा रही हो या कहीं पर भी जा रही हो, उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर भी हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे, ये भी सोचे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रदेश से जो लड़कियां लोग लापता थी उनका बारे में कार्रवाई करने का भी आप विचार करेंगी? हाँ, ये गंगा देवी ऐसा क्यों बात कर रही है? ऐसा बोल के तो ये खुदा ही फंस रही। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक गर्ल्स लोग को वैसे वृत्ति में घुसाने वाला जो गैंग का एक एक मेंबर है वो जेल के अंदर नहीं होता। और शायद इसी विशेष कारण से आज हम एक इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर चुने गए हैं। मतलब? मतलब कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमको कब सत्ता से बेदखल किया जाए इसका कहां भरोसा? लेकिन जब तक हम सत्ता में हैं, तब तक ही राजनीति का नकाब पहने हुए गुनेगार पॉलिटिशियन सबको हम जेल पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो आज के लिए बहुत बात हो चुका है, अब बहुत सारा काम भी करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। अब आप लोग अपना अपना ऑफिस जाइए, अच्छा अच्छा खबर बनाइए, उसको आप टीवी न्यूज पर चलाइए ताकि जनता को पता चल सके हमारी युवा नई सीएम के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब नाश्ता करके जाइएगा। हनुमान जी, सीएम मैडम, गंगा देवी जी, एक ग्रुप फोटो हो जाए। पिचकू मधुकर का गली में जाके देख ना। का? वहां भी नहीं है। तो कहां चली गई? निमकी जी को कहां बोलेंगे हम? अरे पता है कितना परेशान हो जाएंगी वो।
ए मैया, तो सासू जी नहीं मिली तो हम सीएम के बंगलों में कैसे जाएंगे? सासू जी ना हमारा भविष्य भी डुबा के रहेंगी। ए मिंटू, कुछ पता चला का? दादी, पूरा मोहल्ला में ढूंढ लिए हैं, कहीं नहीं है। मंदिर भी जाके देखे, वहां भी नहीं है। पता नहीं कहां चली गई है और कहां जा सकती है। दादी, आपके और भाभी के साथ उनका कोनो झगड़ा तो नहीं हुआ था? कहीं गुस्सा में चली गई हूँ घर छोड़ के? कल वो निमकी का नाम लेकर गुस्सा कर रही थी। का बोल रही थी? का बोल रही थी याद नहीं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ हुआ जरूर है। उनका मूड थोड़ा गड़बड़ तो था देवर जी। नारो जी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अरे निमकी, जानती हो हमारा कॉलेज का सब सहेली लोग था ना, जो हमसे बात तक नहीं करता था, उस सब फोन कर रही है बधाई देने को। आंटी लोग को अपना जवानी याद आ गया है। हम तुमको आंटी दिखते हैं का? वो अंकल की बीवी तो आंटी हुई ना। हाँ निमकी जी। अरे स्वीटी दीदी, जवानी का मजा लेने का सबसे अच्छा तरीका है शॉपिंग पे चले जाना। हम तो कहते हैं शॉपिंग पे चलते हैं, और वैसे भी हमको नया कपड़ा खरीदना है। हम सीएम का कॉस्ट्यूम कुछ अलग से बनवाएंगे, गजब सा बनवाएंगे। हम तो कहते हैं कोई डिजाइनर को बुलवा लेते हैं। मनीष मल्होत्रा जी कैसे रहेंगे? अब हाँ 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 कहाँ दीदी? यस परमोआ, यहाँ ना बहुत बड़का पार्टी होने वाला है। यू कम हियर। नो 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 टाइम, बाद में टक यू। ओके यस यस। ए डुमरी वाली भाभी, तुम काहे फोन लगा रही हो? हैं, हम लगा रहे हैं ना सबको। अरे हर घर में फोन करना है, कोनो छूट नहीं जाए, उसके लिए हम लिस्ट बना लिए। नहीं, अपना काम से काम रखो। माय बिजनेस, हमारा मामला टांगा रहा है ना तो टांगे छटकर। वाह, क्या बात है चाची, क्या मस्त अंग्रेजी बोली हो। अरे तुम्हारा अंग्रेजी के सामने तो अंग्रेजी खुद फेल है, अंग्रेजी खुद शर्मा जाए चाची। क्या चाचा का लिस्ट बना लिए हैं, हर चीज में एकदम ना घुसा देते हैं। हम कामे कर रहे हैं, समझे कि नहीं? आई एम निमकी एडवाइजर। हाँ तो एडवाइजर है तो एडवाइजर वाला काम कीजिए ना भाई। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ पढ़िए, नया नया शब्द सीखिए, अंग्रेजी का डिक्शनरी खरीदिए, उसमें से शब्द उठाकर सीखिए, तभी ना कहलाएंगे आप सीएम के एडवाइजर। अगर ऐसा बात है ना तो हम आज जाके चार छोटो अंग्रेजी का किताब ले आते। ये हुआ ना बात, बहुत बढ़िया है। हुआ सीएम से लोग का का उम्मीद रखते हैं ना, वो सब का लिस्ट बना के हमको दो। अरे सीएम से का चाहेंगे लोग? पटना से आने जाने का टिकट फ्री करवा दो, फ्री का चीज किसको पसंद नहीं है, सब लोग तो फ्री का चीज चाहता है। दीदी, अगर हम लोग गांव में पापा के नाम का स्कूल खोले तो ये कैसा रहेगा? पापा हमेशा से चाहते थे कि सब लोग शिक्षित हो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, खोलेंगे ना स्कूल, जरूर खोलेंगे, लेकिन पापा का नाम करने। काहे पापा के नाम पे काहे नहीं खोलेंगे? नहीं भाई, पढ़ाई में कोई गड़बड़ी हो गया तो स्कूल का लड़का लड़की लोग पापा के नाम का बोर्ड पर पत्थर मारेगा ना भाई। हमको सबसे ज्यादा खुशी ही बात का है कि वो गंगा देवी हार गई और तुम जीती। हाँ स्वीटी जी, लेकिन इस वक्त जीत की खुशी में डूबने का वक्त नहीं है, कहा है कि इस वक्त थोड़ा अलर्ट रहने का वक्त है। ये जो गंगा देवी और शुक्ला जी है ना, ये निमकी जी के दुश्मन बने बैठे हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अभिमन्यु बाबू, आप एकदम सही कर रहे हैं, हमको भी दीदी की सुरक्षा का बहुत चिंता हो रहा है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है अभिमन्यु बाबू कि शुक्ला और गंगा देवी जी को
उनका खेमा से कैसे बाहर निकाले? हाँ, ये बात तो सही है निमकी जी। कहा है ना, ये जो गंगा देवी जी का जो जड़ है ना, वो अपराध की दुनिया में काफी है। निश्चित तौर पर उनका CID और पुलिस में काफी आदमी होगा। हमको बहुत सावधानी से उनके गिरोह के आदमी को पहचानना होगा।